प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अप। प्रदेश सरकार जहां नगर परिषदों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयासरत है, वहीं जनता के धन से कंगारूनुमा डस्टबिनों की नप ज्वालामुखी में महंगी खरीद पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आरटीआई पत्र संख्या 646 में एक खुलासा हुआ है कि ज्वालामुखी शहर में एक लिटल वीन नगर पंचायत ने 7,700 रुपये का खरीदा और कुल 24 शहर में लगाया, जिसकी 1,84,800 रुपए की अदायगी ठेकेदार को कर दी गई। इसके अलावा इन लिटल वीन की कूड़े की क्षमता 15 लीटर बताई गई है, डस्टबिनों में संख्या तक नहीं लिखी गई है, जबकि देखने में लग रहा है कि इतनी क्षमता इन डस्टबिनों की नहीं है। वहीं सवाल उठ रहा है कि नगर पंचायत ने लाखों रुपए की खरीद के इन डस्टबिनों की कोटेशन के लिए समाचार पत्रों को भी नोटिस प्रकाशित क्यों नहीं किए। हैरत की बात है कि नप के अधिकारियों ने प्रधान की लाखों की खरीद में सहमति लेना भी उचित नहीं समझा और ऐसा तानाबाना इस महंगी खरीद का बुना कि ठेकेदार को पेमेंट करने के बाद प्रधान को कोटेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव भी बनाया गया, लेकिन प्रधान ने जनहित को देखते हुए कोटेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि पूर्व में हुई खरीदों में प्रधान की सहमति ली जाती रही है। सूक्ष्म सूद पूर्व पारिषद आरटीआई एक्टिवेटेड का कहना है कि डस्टबिन की बाजार मूल्य से ज्यादा महंगी खरीद में गोलमाल होने की पूरी आशंका है, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए ताकि जनता के पैसों का दुरुपयोग ना हो। लिटल बीन्स लगाए गए हैं जो कि मंदिर रोड और हिमाचल टूरिज्म के पास लगाए गए, उसका एक मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ और ये लिटल बीन्स कंचन बालाजी ने, जो हमारे यहाँ की नगर परिषद की ईओ हैं, उन्होंने ये लिटल बीन्स मंगवाए। और उसके बाद जब ये लिटल बीन्स लग गए तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मेरे पास जेल आए, उन्होंने मुझे कहा कि कोटेशन साइन करने हैं और भी कोटेशन उनमें साथ में थी, लेकिन जब मैंने ये कोटेशन, मैंने उनसे पूछा कि इनका रेट और ये वेट क्या है और इसका बिल कितना बना ये मुझे जानकारी दी जाए, तो जेल साहब ने मुझे बोला कि वो तो मैडम पे हो चुका है बिल। मैंने कहा जब बिल पे हो चुका है तो मैं इस पे कोटेशन पे साइन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे क्या पता कि क्या कितना बिल बना है इसका, और ये मुझे तो इसकी कोई यानी कोटेशन पे कोई मेरी साइन नहीं, फिर मैंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगी। और जबकि ये हमारे शहर में लाखों की खरीद के ये लगे हुए हैं डस्टबिन, तो इनमें कहीं ना कहीं मुझे ये आशंका है कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, जबकि इनका कहीं भी आजकल गूगल में कुछ भी सर्च करो तो सब कुछ मिल जाता है, उसमें सर्च करके मैंने भी देखा कि ये रेट जो भी जितने बनते हैं उसके मुताबिक रेट मुझे ज़्यादा लगे। और इसी दौरान इसके बाद मैंने ईओ मैडम से, जहाँ जब से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है मेरे मन में आशंका थी, तब से लेके जब उन्होंने ज्वाइन किया तब से लेके आज तक 18 मई को मैंने उन्हें एक लेटर दिया रिटर्न में, और मैंने रिटर्न में ही सारी जानकारी उनसे क्रय और विक्रय की नगर परिषद की मांगी है, जो कि आज दिन तक उन्होंने मुझे नहीं दी, और ये इनकी जांच जरूरी है और मैं यही चाहती हूँ कि इनकी जांच उचित कार्रवाई जो भी की जाए। 24 कंगारू नामक डस्टबिन खरीदे गए जिनकी कीमत 1,85,000 के लगभग बताई गई है। प्रत्येक कंगारू डस्टबिन 7,700 रुपये का पड़ता है, जो इन्होंने मुझे आरटीआई दी, उस आरटीआई के माध्यम से पता चला भी ये 7,700 रुपये का पड़ता है। और ये कंगारू डस्टबिन जब खरीदे गए तो इसमें ज्वालामुखी नगर पंचायत की अध्यक्षता को विश्वास में नहीं लिया गया, ज्वालामुखी नगर परिषद के पैसे का दुरुपयोग किया गया, और जितनी इन्होंने हमें संख्या बताई भी 24 डस्टबिन हमने खरीदे हैं, और जहाँ जहाँ इन्होंने हमें चयनित स्थान दिए भी वहाँ वहाँ लगाए गए हैं। मैंने मौके का दौरा किया, मुझको वो 24 नहीं पाए गए। मुझे इसलिए शंका है कि इन कंगारुओं की गिनती में तो हेरा फेरी है ही है, लेकिन मूल्यांकन में भी हेरा फेरी की गई है, इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि वह उचित कार्रवाई करे और दोषियों को जो भी उचित दंड बनता है वो देने की।